तो उन्होंने बड़ी अनसेरेमोनियसली अभिनंदन को रिटायर कर दिया तो उन्होंने बड़ी अनसेरेमोनियसली अभिनंदन को रिटायर कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे। अभी अभी आपने सुना जो महाशय कह रहे थे कि अभिनंदन को रिटायर कर दिया गया है, तो इस बारे में ही बात करूंगा मैं इस वीडियो पे। ठीक है, आखिर इसकी सच्चाई कितनी है। उससे पहले मैं आपको इन जनाब के बारे में बता दूं जिन्होंने ये कहा है कि अभिनंदन को रिटायर कर दिया गया, ये है कौन। इनका नाम है मुबासिर लुकमान और ये जो है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। ये कई सारे टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं और इनका ये कहना है कि अभिनंदन को जो है रिटायर कर दिया गया। हालांकि ऐसी कोई भी खबर हमारे इंडियन मीडिया में नहीं है, तो सुनिए आगे क्या कहते हैं, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। नई खबर दूं आपको, एक खबर ऐसी दूं कि शायद आप भी हैरान हो जाएं। देखा, विंग कमांडर अभिनंदन जब उनको पाकिस्तान ने रिहा किया और उन्हें बाघा बॉर्डर क्रॉस करके अंदर गए, उस समय उनको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठाते ही मेरी सोर्स ने मुझे बताया कि उनको पेपर्स दिए गए और उनसे साइन करवाया गया और उनको बड़ी अनसेरेमोनियसली इंडियन एयरफोर्स से रिटायर कर दिया गया। इनका कहना है कि इनके सोर्स ने इनको ये बताया है कि अभिनंदन को जो है रिटायर कर दिया गया है और वो भी इंडिया आते ही उनको गाड़ी में जब बिठाया गया तो उसी समय जो है इनको रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट साइन करा लिए गए। ठीक है, अब ये तो हमें नहीं पता इनकी सोर्स क्या है और कहाँ तक इनकी सोर्स है जो इनको ऐसी खबरें भी दे सकता हो जो हमारे इंडियन मीडिया ने अब तक हमको नहीं दिया है। चलिए आगे सुनते हैं और क्या क्या कहना है इनका। और अभिनंदन जो है उनको ये कहा गया कि जी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि आपने इजेक्ट किया था तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई आपको, इसलिए आपको रिटायरमेंट दी जा रही है। उनको 3 करोड़ रुपया इंडियन वो उनको तोहफे के तौर पे दिया गया और उसके बाद रिटायरमेंट दे दी गई। इंडिया में जो ये समझता है कि अभिनंदन ने गिरफ्तार होते ही जितने भी उनके प्लान्स थे वो सारे के सारे अपने दुश्मन को दे दिए, वरना इतनी जल्दी कौन रिलीज करता है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, एयरफोर्स जो थी वो रेडी नहीं थी मीडिया को टेक ऑन करने के लिए, तो उन्होंने बड़ी अनसेरेमोनियसली अभिनंदन को रिटायर कर दिया। और एक कर्टसी होती है, एक बड़ा हाई पॉइंट होता है, कोई अगर आप में से किसी का ताल्लुक फोर्सेस से हो, आर्म फोर्सेस से, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको आपकी यूनिट में आप जाते हैं, आप अपने स्क्वाड्रन में जाते हैं, आप अपने जो भी नेवल आपकी फॉर्मेशंस हैं उसमें आप जाते हैं, तो आपको आपको बड़ा ऑनरेबली आपको रिटायर किया जाता है, आपको शील्ड्स दी जाती हैं, आपको डिनर्स दिए जाते हैं, लोग आपके तारीफ में बातें करते हैं, आके बताते हैं कि आप कितने अच्छे ऑफिसर थे। लेकिन सैडली विंग कमांडर अभिनंदन को इनमें से कोई चीज़ नसीब नहीं हुई। हो सकता है कुछ लोगों को अभी मेरी बात पे एतबार ना हो, खासतौर इंडियन मीडिया के कुछ लोगों को, तो आई मीन व्हाई डोंट यू कॉल योर इंडियन एयरफोर्स पीपल एंड फाइंड आउट एंड दे विल टेल यू दैट ड्यू टू सीवियर स्पाइनल इंजरी दैट अकर्ड वंस ही इजेक्टेड आउट ऑफ हिज एयरक्राफ्ट ही इज ऑफ नो यूज टू द एयरफोर्स एनीमोर। तो सुना आप लोगों ने इनका क्या कहना है कि अभिनंदन को इंडियन एयरफोर्स ने जो है डिसग्रेसफुली उनके सर्विस से उनको रिटायर कर दिया गया है और उनको 3 करोड़ रुपए का जो है गिफ्ट देके उनको जो है रिटायर कर दिया गया। इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है तो नहीं पता, बट हमारे जो मीडिया है, मीडिया चैनल्स है, इनकी अगर हम माने तो इंडिया जो अभिनंदन जो है अभी भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर पे है और रिटायरमेंट की कोई भी बात कहीं से नहीं आई है। अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो अवश्य इनको शेयर करना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ये कहाँ तक सच है। वैसे तो पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ काफ़ी सबूत मांगते हैं, तो ये जो इतना बड़ा बात ये कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अभिनंदन को कोई सम्मान दिए बिना ही जो है उनको रिटायर कर दिया है, तो ये भी इनको बेसबूत के साथ ही बताना चाहिए, बिना सबूत के कैसे ये बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ये न्यूज़ जो है पाकिस्तान की तरफ से आई है, तो उनसे हम जो है इसके अलावा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं,
कि वो जो है इंडिया के खिलाफ कुछ भी बिना सबूत के बोल दे। वैसे इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट तो हुई है, बट वो अभिनंदन की नहीं है, वो जो है इंडियन एयरफोर्स कमांडर एयर मार्शल चंद्रशेखर हरि कुमार का रिटायरमेंट हुआ है, बट वो भी उनका रिटायरमेंट जो है 28 फरवरी को हुआ था। जो रिटायरमेंट का जो भी सेरेमनी होता है पूरे उस सेरेमनी के साथ ही उनका जो रिटायरमेंट हुआ था। और इसको लेकर भी पाकिस्तानों ने कई तरह के रिमर्स जो है फैलाए हुए हैं, जिसका बारे में मैं अपडेट आप लोगों को जरूर दूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।